नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने अपने सभी मतभेदों को भुलाकर दोस्ती की नई शुरुआत कर दी है। सालों से चले आ रहे वैर को किनारे करके ऐतिहासिक शांति समझौते पर दोनों देशों ने दस्तखत किए हैं। 18 देशों वाले मिडिल ईस्ट में यह एक बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जिसका असर दूर तक पड़ना लाजमी है। यूएई और इजराइल के बीच शांति समझौता कराने में अमेरिका ने बड़ी भूमिका निभाई है। इस समझौते के बाद यूएई और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत भी हो जाएगी। इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जा न करने की योजना को फिलहाल टालने पर सहमत हो गया है। साथ ही दोनों देशों के बीच फ्लाइट शुरू करने पर सहमति बनी है, जिसके बाद यूएई के नागरिक यरूशलेम के ओल्ड सिटी में अल अक्सा मस्जिद भी जा सकेंगे। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि आने वाले हफ्तों में निवेश, पर्यटन, सीधी उड़ान, सुरक्षा, दूरसंचार और अन्य मुद्दों पर द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर भी करेंगे। इजराइल और यूएई कोरोना वायरस की वैक्सीन के क्षेत्र में भी मिलकर काम करेंगे। इजराइल और यूएई के बीच हुए इस ऐतिहासिक समझौते से चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई है। तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन ने तो यूएई से संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया है, जबकि इजराइल से अपने पुराने संबंधों पर एक बात भी नहीं कही है। इन तीनों ही देशों के साथ साथ ईरान को भी तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान ने सीधे तौर पर इजराइल को ना तो मान्यता दी है और ना ही कोई राजनयिक संबंध रखे हैं। वहीं चीन में बौखलाहट इसलिए है क्योंकि मध्य पूर्व के देशों में उसकी मजबूत होती पकड़ को एक तगड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब और इजराइल के बीच हाल के कुछ सालों में रिश्ते बेहतर हुए हैं। सऊदी अरब और इजराइल दोनों ईरान के परमाणु हथियार बनाने का विरोध करते रहे हैं। इसके अलावा ये दोनों देश यमन, सीरिया, इराक और लेबनान में ईरान की आकांक्षाओं के विस्तार को लेकर भी चिंतित है। हिजबुल्ला को लेकर भी इजराइल और सऊदी अरब एक रुख रखते हैं। सऊदी और इजराइल में खुफिया जानकारियां साझा करने का काम पहले से ही चल रहा है। इजराइल के साथ यूएई के खड़ा होने का मकसद ईरान की हेकड़ी को चूर करना है। अब खाड़ी के मुल्क इजराइल के साथ मिलकर ईरान की दादागिरी का मुकाबला आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि इन तीनों ही देशों का दुश्मन ईरान है। जॉर्डन और इजिप्ट से इजराइल के कूटनीतिक संबंध पहले से ही बने हुए हैं, पर सबसे ज्यादा ढोल तो पाकिस्तान के बज रहे हैं। सऊदी से उसके रिश्ते लगभग बर्फ की मानिंद जम चुके हैं। इसका असर यूएई तक महसूस किया जा रहा है। इजराइल यूएई में दोस्ती के चलते पाकिस्तान के लिए इनके साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। एक तरह से खाड़ी के दो प्रमुख देश सुरक्षा के मामले पर पाकिस्तान पर आश्रित नहीं रहेंगे। दूसरी बड़ी बात यह होगी कि जिस इजराइल को वह मुसलमानों का दुश्मन साबित करता रहा है, अन्य मुस्लिम देशों में उसकी स्वीकार्यता बढ़ जाएगी, जबकि पाकिस्तान अपने ही जाल में उलझकर अलग थलग पड़ जाएगा। यानी अमेरिका द्वारा चला गया यह दांव दुनिया के लिए बड़ा उलटफेर साबित करने वाला है। इसमें एक ऐसा नेक्सस भी तैयार हो रहा है जिसमें चीन, पाकिस्तान और ईरान हाशिए पर जा सकते हैं। खाड़ी देशों से भारत के संबंध पिछले कुछ सालों में काफी मधुर हुए हैं। खाड़ी के किसी देश से भारत के मतभेद नहीं है। कई बार इजराइल भारत की गहरी दोस्ती की वजह से इसमें कुछ अड़चनें जरूर आई है, मगर इजराइल यूएई की दोस्ती से अब वह भी साफ हो जाएगी। ईरान अगर भारत से खिसककर चीन की तरफ झुकना चाहता है तो उसे अब इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। ईरान के सिर्फ नेताओं में ही नहीं, बल्कि यहाँ के नागरिकों में भी भारत के प्रति आत्मीय लगाव है। पिछले 2 साल में अमेरिका और ईरान के बीच तकरार ने दोनों देशों के रिश्तों पर असर डाला है, मगर बिना भारत के साथ के ईरान का गुजारा हो पाना मुश्किल है। पाकिस्तान चाहे कितने भी प्रयास कर ले, वह ईरान को भारत से दूर करने में कामयाब नहीं हो पाएगा। उधर मालदीव से चीन को भगाने की मोदी ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके तहत मालदीव में महत्वपूर्ण संपर्क परियोजना को अमलीजामा पहनाने के लिए भारत $40 करोड़ की कर्ज सुविधा और $10 करोड़ का अनुदान देने जा रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली ने पिछले वर्ष सितंबर में जयशंकर से बैठक के दौरान भारत की सहायता मांगी थी। इस परियोजना के अंतर्गत $40 करोड़ की कर्ज सुविधा और $10 करोड़ का अनुदान दिया गया है। मजे की बात यह है कि भारत जिस तरह अपने मित्र देशों को कम ब्याज पर कर्ज और अनुदान दे रहा है, उससे पाकिस्तान छेंच लंबी जीभ बाहर निकालकर लपलपा रहा है। उसे यह भी समझ में आ गया है कि भारत और मालदीव के रिश्ते कितने प्रगाढ़ हैं। इन दोनों की दोस्ती ने भी चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। हालांकि निठल्ला पड़ा इमरान खान नेपाल, बांग्लादेश और मालदीव से फोन करके पैंतरे जरूर चल रहा है, मगर देश में कंगाली के चलते और चीनी गुट का ठप्पा लगने के बाद दक्षिण एशिया में पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं रही है। इस वक्त केवल चीन एकमात्र ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान की पीठ पर घी लगा रहा है, जबकि अमेरिका पश्चिमी देशों और खाड़ी देशों को करीब लाकर चीन की घेराबंदी करने में जुटा है। इजराइल को मुस्लिम देशों से जोड़ने की अमेरिकी नीति से पाकिस्तान पर गहरा प्रभाव पड़ना लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान, भारत और इजराइल के बहाने अपने कट्टरपंथ को बढ़ावा देकर इस्लामिक मुल्कों से खैरात हासिल कर रहा था। उसने इस्लाम का प्रहरी होने का दिखावा कर खुद को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास किया है। पर सऊदी अरब और यूएई समझ गए हैं कि पाकिस्तान दोगला मुसलमान है। चीन की मंशा तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और मलेशिया को मिलाकर भारत को घेरने की कोशिश में है। दक्षिण एशिया में चीन एक नया ब्लॉक तैयार कर रहा था, मगर डोनाल्ड ट्रंप के दांव के बाद चीन पूरी तरह चित हो गया है। सऊदी अरब अमेरिका के नजदीक है, जबकि अमेरिका का सबसे खास मित्र इजराइल है और इजराइल का सबसे खास दोस्त इंडिया है। अमेरिका ने इजराइल को मिडिल ईस्ट में एंट्री कराकर 18 देशों की कमान उसके हाथ में सौंप दी है, जिसके बदले में इजराइल ने वेस्ट बैंक से अपना दावा छोड़ दिया है। इस ऐतिहासिक समझौते से ईरान इतना तिल मिलाया है कि उसने मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने वाला समझौता करार दिया, जबकि वास्तविकता यही है कि ईरान को अपने विनाश का भय सताने लगा है। इस क्षेत्र में होने वाला डेवलपमेंट उसकी कहीं ना कहीं नींद उड़ा रहा है। दरअसल चीन ने ईरान से सस्ता तेल खरीदकर उसे $400 अरब के निवेश का वायदा किया है। यह निवेश 25 साल के भीतर किया जाएगा। पर सच्चाई यही है कि चीन उसे परमाणु टेक्निक देकर उसके परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता है। ईरान के परमाणु संपन्न बनने की महत्वाकांक्षा का चीन अपने हित में फायदा उठाना चाहता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत से भी ईरान ने परमाणु कार्यक्रम में मदद चाही थी, मगर एक जिम्मेदार राष्ट्र होने के चलते भारत ने उसकी आकांक्षाओं को किनारे कर दिया था। बाद में ईरान ने पाकिस्तान को यह लालच दिया और चीन के साथ मिलकर ईरान की महत्वाकांक्षा को पंख दे दिए। पर इसकी किसी को भी सपने में उम्मीद नहीं थी कि इजराइल भी उनके सिर के ऊपर आकर बैठ सकता है। चीन और ईरान के बीच समझौता होते ही मध्य पूर्व के देशों को समझने में तनिक भी विलंब नहीं हुआ कि उनके पड़ोस में क्या खिचड़ी पक रही है। इसलिए यूएई, सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों ने इसके जवाब में इजराइल की एंट्री कराकर उसे अपने अगवा के तौर पर ईरान के सामने प्रस्तुत कर दिया। अब इजराइल और मिडिल ईस्ट देशों के समूह के साथ भारत और यूएई भी चीन के लिए चुनौती बनने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में भारत पहले ही अपना प्रभाव बढ़ा चुका है। इजराइल के साथ आने से उसमें और मजबूती आने की उम्मीद है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।